रहमान रहीम, आज मैं आपको उर्दू गिनती सिखाऊंगी एक से लेके चार तक। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक कितने होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए हम गिनेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक गुब्बारा मौजूद है। एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक गाड़ी मौजूद है, इसे कहते हैं एक गाड़ी, एक गाड़ी। एक रंग, एक रंग, एक रंग। एक मार्कर, एक मार्कर, एक मार्कर। चलिए हम इसे लिखने का तरीका सीखेंगे कि एक को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने बच्चे के लिए एक नुक्ता लगाना है और एक एरो का निशान लगाना है, जिसका मतलब ये है कि बच्चा यहाँ से शुरू करेगा और इस लाइन तक आएगा, और एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं तो ये हमारे पास आ गया है एक। एक इसे कहते हैं एक, इसे कहते हैं एक। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो। दो आपको मैं कलर्स के ज़रिए बताऊंगी कि दो कितने होते हैं। एक, एक के साथ अगर एक और मिला दिया जाए तो ये हो जाते हैं दो। दो रंग, दो रंग, दो रंग। एक दो, एक दो। अगर इसी तरह एक के साथ एक और को मिला दिया जाए तो ये हो जाते हैं दो। एक दो, दो क्रेयॉन्स, दो क्रेयॉन्स। एक दो, एक दो, एक दो। एक और एक और गाड़ी, तो ये कितने हो गए, दो दो। एक दो, एक दो, एक दो। एक रंग के साथ दूसरा रंग मिला दूं तो ये कितने हो गए, एक दो, एक दो। एक के साथ एक और मार्कर को मिला दिया जाए तो ये कितने हो गए, एक दो। तो आज हमने पढ़ा दूसरा नंबर, दूसरी गिनती जो कि थी दो। दो को अब हम कैसे लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन लगाएं, थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ से ऊपर चले जाएं और फिर नीचे आए, एक सीधी लाइन। ये हो गया है दो। दो इसे कहते हैं दो। अब हम पढ़ेंगे तीन। अब हम पढ़ेंगे तीन। दो की एक और मेरे पास फ्लैश कार्ड है जिसमें दो बसेस दी गई हैं, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक ऐसे गिनती कर सकते हैं, एक दो, दो बसें, दो बसें, दो बसें। तीन ये क्या है, तीन ये क्या है, तीन। तीन मुर्गियाँ। आए हम अब गिनती करते हैं ये कितनी मुर्गियाँ हैं। एक दो तीन, एक दो तीन। ये कितनी मुर्गियाँ हैं, तीन। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं, अगर मैं दो के साथ एक और शामिल कर दूं तो ये कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन, एक दो तीन। इसी तरह
दो रंग के साथ एक और को शामिल कर दिया जाए तो ये कितने रंग हो जाते हैं? एक दो तीन, एक दो तीन। इसी तरह अगर हम दो क्रेयॉन्स के साथ एक और शामिल कर दें तो ये कितने हो जाते हैं? तीन। एक दो तीन, ये हो गया तीन। आज हमने गिनती पढ़ी जिसमें एक दो तीन चार, जिसमें हमने तीन तक गिनती सीखी। अब हम तीन को लिखना सीखेंगे। तीन किस तरीके से लिखा जाता है? जैसे कि हमने दो लिखा, फिर इसी तरह हम दोबारा नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे और एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। इसे कहते हैं तीन, इसे कहते हैं तीन, इसे क्या कहते हैं? तीन। इसी तरह आप तीन लिखें। चलिए अब मैं आपको चार बताऊंगी कि हम चार कैसे गिनेंगे। यहाँ पर मेरे पास है चार, चार बाल्टियाँ हैं। अब मैं इसे गिनूंगी, एक दो तीन चार, ये हैं चार बाल्टियाँ, ये हैं चार बाल्टियाँ, चार बाल्टियाँ, चार बाल्टियाँ, चार बाल्टियाँ। तीन तीन स्टिक्स, तीन स्टिक्स। इसके साथ अगर एक और शामिल कर दी जाए तो अब देखते हैं कि ये कितनी हो गई हैं। एक दो तीन चार, ये चार हैं। अगर थ्री क्रेयॉन्स के साथ एक और को शामिल कर दिया जाए तो ये कितनी हो जाएंगी? एक दो तीन चार, चार क्रेयॉन्स, चार क्रेयॉन्स। तीन रंगों के साथ एक और को शामिल कर दिया जाए तो ये कितनी हो जाएंगे? एक दो तीन चार, ये हैं चार रंग, ये हैं चार रंग। इसी तरह मेरे पास फ्रेम्स हैं, तीन फ्रेम्स के साथ एक दो तीन, तीन फ्रेम्स के साथ एक और को शामिल कर दिया जाए तो ये कितने हो जाएंगे? चलिए हम गिनते हैं, एक दो तीन चार, चार फ्रेम्स, ये कितने हो गए? चार फ्रेम्स। इसी तरह आप काउंटिंग गिनती कर सकते हैं उर्दू की। अब मैं आपको चार लिखना सिखाऊंगी। आपने नुक्ते से शुरू करना है, नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है और थोड़ा सा मोड़ जाना है और फिर नीचे आ जाना है। ये है चार, ये है चार। इसी तरह आप चार लिखिए, वर्कशीट्स बनाएं, डॉट्स लगाएं, बच्चों को पहले पेंसिल फेरवाएं और उसके बाद बच्चे खुद ही लिखेंगे डॉट और एरो की मदद से। उम्मीद है कि आपको एक से लेकर चार तक गिनती की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।